हम कराची के लोग तो नहीं के भाई हम आलू खाएं बिरयानी के अंदर। आज मैं डेनिस नहीं किया तो एक काम करने की हिम्मत नहीं होगी। ताकि ये एयरपोर्ट पर ट्रैवलिंग कर सके, और उसकी ख्वाहिश है दीपिका पॉडिकून वाले बैग्स लेने की। आज हमारे घर में सबसे कहा था समोसे रोल और पकौड़े बनाऊंगी, मगर उसने कुछ भी ऐसी चीज नहीं बनाई, और उसने क्या किया चुपके से ना, अब मार्केट से जाके हमने ये ले लिया, और सबसे कहना है कि हमने घर में बनाया। अब मुझे समझ नहीं आ रही रोजे में क्यों झूठ बोल रही है। चुपके से किसी को घर में पता ना चले। बासी होगी, इसे पापा को खिला देती हूँ। पापा ये चॉकलेट ब्रेड है, ये आप खा लें, बहुत मजे की है। कि आज हुआ ये है कि हुमा ने आज जो है ना समोसियां घर में बनाई नहीं है, और अब हम गए हैं मार्केट, वहां से चुपके से हम समोसे और छोटे छोटे रोल्स लाएंगे, कचौरी लाएंगे, और सबको कहेंगे घर में हमने बनाई है। मतलब रोजे में भी तुमने झूठ बोला है। नहीं देखो आगे से हंस रही है। नहीं कोई समोसा लगाओ रोल लगाओ, अंदर चल के देखते हैं, वरना आज कहना पड़ेगा सबको समोसे और रोल का वादा किया पर पकाया हुआ कुछ नहीं। चलो भाई अब दूसरी मार्केट में चलते हैं, वहां पे देखते हैं समोसे रोल समोसे ना मिले इस मार्केट से, तो तेरा पोल खुल जाना है। हुमा अब यहाँ पे खड़ी है। हुआ ये कि हुमा ने घर में सबसे वादा किया है कि वो आज समोसे और रोल बना रही है। हुमा आ गई है अब समोसे रोल लेकर, अब रोल समोसे आ गए, अब खुश अब सब। हाँ डेकोरेट ऐसे करना सबको लगे तुमने बनाया है। चुपके से ला, चुपके से घर में किसी को चुप, ये चलो जल्दी चुपके से ला, किसी को पता ना, किसी को पता ना चले कि हम बाहर से समोसे लगाए। हाँ यहाँ से ना सुन ले पापा, पापा ना दरवाजा खोलते हो। पापा ये आज बड़ी ही मेहनत से हम दोनों ने मिलके, मैंने और हुमा ने मिलके रोल्स बनाए हैं और कचौरी और समोसे बनाए हैं। आपको अच्छे लगे हैं पापा? कैसे लगे आपको? कमाल कमाल के। और अब टेस्ट में कितने मार्क्स देंगे? 10 में से 10 में से क्योंकि ये बाहर के नहीं पापा, ये बाहर के नहीं है, मैंने बनाए इतने अच्छे हैं कि लग रहा है बाहर के हैं। ओके कर पापा, मुझे बताएं आपको ये, और ये जूस तो खैर मैंने ही बनाया। आज बिरयानी बना रहा है हमारा शेफ, बड़े मजे की बिरयानी है। ये हमारा शेफ बड़े मजे का आदमी है। आजकल बिरयानी बना रहे हैं लखनऊ स्टाइल। अच्छा लखनऊ स्टाइल की बिरयानी लखनऊ में जो डांसर होती थी उनके साथ बिरयानी बनती थी, शादी होती थी ना राजा महाराजा शाही बिरयानी बनती थी। अच्छा तो ये वो शाही बिरयानी तुम बना रहे हो जो राजपूत लोग यानी जो मुगल लोग खाते रहे हैं। ये बिरयानी खा के बादशाह दीवान हो जाएगा। अच्छा गुलामबाज तुम बिरयानी में ये आलू क्यों डालते हो? तो ये आ गई भी बिरयानी जो इसने बनाई दी है, अब मैं खा सकती हूँ फाइनली। बिरयानी तो बड़ी ज़बरदस्त बनाई है इसने, खाने वाली है। उफ, क्या मज़े किए है, स्पाइसेस बड़ी आला है। मेरे ख्याल से एक महीने बाद खा रही हूँ बिरयानी। लोगों के यहाँ फ्राइडे के फ्राइडे, जुमे के जुमे बिरयानी बनती है, हमारे यहाँ सिर्फ तब बनती है जब कोई याद करा दे तो। ज़बरदस्त ये मसाला जो है ना। आज तुमने ये पिंक टी चढ़ा दी, इसमें पत्ती डालना भूले हुए थे तुम? ये तो इसको लगता है रोजा बड़ा लग रहा है। क्या है सवेरे मेरा ना माजी अम्मी के खराब थी ना मोबाइल था, तो मैं डेनिस नहीं किया। अच्छा तो मेरा तबीयत आज हौली हो गई है। अच्छा तो मैं डेनिस करके ना सवेरे उठ के जो तुम एक्सरसाइज नहीं करते तो भाजी फिर दिमाग बड़ा फ्रेश रहता है। डांस करो तो हिम्मत आती है, समझो एक्सरसाइज है। अच्छा 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 एक्सरसाइज नहीं ना की थी डेनिस थी। पेउनिया रेडी रखो। बजरी है और छोटी इलायची। अच्छा मेरा बड़ी कावा है, क्या देखो दूध पाएंगे ना पिंटी बन जाएगी। अच्छा तो तुम ऐसे बनाते हो पिंटी? बाजी तो ज़्यादा ही दूध पाएगा बाजी, है कि ये आज तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें दूध भी ज़्यादा डाल दिया चाय के अंदर? बाजी जी गलत हो गया सारा कुछ। अच्छा तो अब तुम दूध और प्यूनी खाने लगे? बाजी जी रंग प्रॉपर नहीं निकलिया। अच्छा लग रहा है ये पिंक टी और चूनिया। बाजी जो तो बाजा काट के ना खाओ मजा ही नहीं आता। अच्छा आवाज निकाल के तुम्हें मजा आता खा कर? बाजी उस तो बगैर कोई जिंदगी नहीं हो। हुमा के लिए ले रहे हैं हम कुछ बैग्स ताकि ये एयरपोर्ट पर ट्रैवलिंग कर सके, और उसकी ख्वाहिश है दीपिका पॉडिकून वाले बैग्स लेने की। अच्छा ये दीपिका तो नहीं लेती? पेरी गार्डन तो बहुत फेमस कंपनी है भाई। कौन सी कंपनी? पेरी गार्डन एडेल्सी की भी है, एडेल्सी की।
अच्छा, ये समिट कंपनी का है और इसकी प्राइस क्या है? 22,995। मतलब ये बेहतर लग रहा है, बस कि ये प्लास्टिक वाले अच्छे नहीं लगते और ये है भी ज़रा महंगा प्लास्टिक वाला। इसकी प्राइस है ऑलमोस्ट 27,995। अच्छा, इसका बैग का प्राइस भी, इसकी प्राइस है 36,995। ये 29, ये इतना सस्ता क्यों है? ये 30 का है, इसका कोई नाम ही नहीं इस कंपनी का। यहाँ से जाय नमाज मिल रही है, हमने तो अलफतेह से ली थी। कितने की है जाय नमाज? ये 1300 रुपए की एक है, 1500 की दो है, 1300 1500। यार ये तो बहुत सस्ती है, हमने अलफतेह से 3000 4000 की ली है। वाली जाय नमाज ले रहे हैं क्योंकि ये अच्छी खासी अच्छी प्राइस की मिल रही है, 1500 की। वाइट ना कर ले, वाइट वाइट चलो मैली हो जाएगी। यार शहरी में मुझे कहा गया चाय और रस खा लो, और दूसरी जगह मेरे लिए ये मंगवाया गया। अरे ये शहरी में खाऊंगी मैं ये चॉकलेट ब्रेड। है मज़े की, पर शहरी में कौन खाता है? लगता आज रोज़ा लगेगा मुझे। एक तो चीज़ें जब बासी हो जाए मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है। अब ये चॉकलेट ब्रेड है, ये कल की आई हुई है और ये बासी हो गई है और मैं फेंकना भी नहीं चाह रही। कव्वे तो बिल्कुल नहीं खाएंगे क्योंकि उसमें मीठा लगा हुआ है, चॉकलेट लगी हुई है। वो पापा को खिला देती हूँ, पापा से कहती हूँ खा लें चॉकलेट ब्रेड, ताज़ी आई है, आप पापा को खिलाती हूँ। उनसे कहूँगी कि ये मैंने बनाई है घर पे। नहीं कुछ भी नहीं कहती, बस ऐसे ही खिला देती हूँ, बासी है ज़ाया ना जाती हो। अभी तो चलो खाने के काबिल है, बासी हो गई इसी पापा को खिला देती हूँ। पापा ये चॉकलेट ब्रेड है, ये आप खा लें, बहुत मज़े की है। अच्छी लगी है पापा? मज़े की है, पापा को अच्छी लगी है चॉकलेट ब्रेड। पापा को अब चाय के साथ देती हूँ चॉकलेट ब्रेड। और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत बासी है, थोड़ी बहुत बासी है चॉकलेट। देखो ये बासी मैं भी तो खा रही हूँ ना, इसमें क्या अगर पापा को भी बासी चीज़ खिला दिया। पापा ने एक ही बाइट लिया, बाकी की मैं खाती हूँ गाँव तक के। हुमा ने ना गुस्से में आके अपना मोबाइल तोड़ दिया था, अब हम मोबाइल की दुकान पर आए हैं स्क्रीन लगवाने। अब स्क्रीन लग रही है हुमा के मोबाइल की। हुमा तुमने गुस्से में आके तोड़ दिया था अपना मोबाइल? खुद ही गिरा था, गुस्से से गिर गया। गुस्से से गिरा था, उसका अपना गुस्सा था मोबाइल। अच्छा मोबाइल का गुस्सा था, अच्छा गुस्से से तोड़ा नहीं, गुस्से से गिर गया था इसका मोबाइल। ये सारे टूटे हुए वो मोबाइल्स हैं जो मियाँ बीवी ने गुस्से में आके तोड़ दिए हैं और अब जुड़वाने के लिए इन दुकानों पर दिए हैं। हुमा अपनी आंखों के लेंस बनवाने यहाँ पर आई है क्योंकि वो ऐनक उतरवाना चाह रही है, बाहर के मुल्क जाएगी तो ऐनक नहीं पहनना चाहती, वो सिंपल लेंस लेना चाहती है। कहती है कलर्ड आंखें पहननी है उसने। ये ट्रांसपेरेंट है, ये है इंजाइम ये सॉल्यूशन होता है, ये क्लीनिंग। अच्छा ये क्लीनिंग, हाँ सही हो गया, और ये रेगुलर सॉल्यूशन है। अब हुमा के लिए हमने ये ले लिया और हुमा बड़ी खुश है इस बात पे क्योंकि हुमा ये पहनना चाहेगी। अब किचन में ना अफ्तारी से थोड़ी देर पहले अफरा तफरी नफसा नफसी होती है, और ये इस टाइम जो है बन रहा है ये मलाई कढ़ाई। ये देखिए अफ्तारी अंदर भागमदौड़ हो रही है, पूरी दुनिया के हाल देखने वाले हुए हुए हैं भाई। अफ्तारी ना हो गई ऐसे कि जैसे कि क्या हो गया है। ये बन रही है वाइट वाली चिकन कढ़ाई, जैसे मलाई कढ़ाई भी कहते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। पानी वाले रोल होने अच्छे नहीं होते, पसीना मजीद लेकर आते हैं, इससे बेहतर है डब बेहतर है, ऑल टाइम फेव। लेकिन इसमें खुशबू ही नहीं होती, लिखा हुआ है फ्रेग्रेंस फ्री। तीन वाले की आपके लिए लगा लूंगा भाजी, 2600 और 2500 वाले के होती है मिश्रण के, वो कपड़े कपड़े में क्या हिसाब होता है उसमें वो उनका जब माल होता है सेल लगाते हैं, वो फिर बचत माल होता है वो फिर लगा। अब ये दो हैं जो हमने ले लिए चादरें। अच्छा आप कभी मार्केट जाएं तो आपने किसी को बताना आपने वेजेस खाने, तो ये होते हैं वेजेस, मोटे चिप्स कटे, ये फिंगर चिप्स होते हैं और ये वेजेस होते हैं, ये वेजेस। शिल्को सुमेन।